इन्होंने जो टच स्क्रीन ही लगाया है वो ब्लॉपंग का लॉडेडेल 900 लगाया है। स्टीयरिंग रैप भी क्या है, कंप्लीट सीट कवर लगाया है इसके अंदर। तो स्टीयरिंग कौन सा वाला भी है? ये डेल्टा वेरिएंट वाला। तो उसकी वेलकम लाइट इंस्टॉल हो चुकी है इसके अंदर, बाकी आप सीट कवर की फिटिंग चेकआउट कर लो भाई। ये 8,500 रुपए का सीट कवर है, कॉम्पोनेंट JBL कोएक्सल JBL, और ये ट्रे हमने लगा दिया। ट्रे भी इसके अंदर जनरल लगी है। हमने कैमरा लगाया वो भी ब्लॉपंग का, जो DS05 होता है ना। अपना स्टीयरिंग आ गया। हाँ जी भाई, ये मारुति जेन्युइन आप देख सकते हैं, और ये जो इसका हब भी होगा ये भी मारुति जेन्युइन होगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ कृष्णा कार श्रृंगार पे, और मेरे साथ में सूरज भाई। कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो आज कौन सी दिखाने वाले हो, बलिनो और फ्रॉन्स? दोनों दिखा देंगे। दोनों दिखा देंगे। शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ से करें? मेन इससे करें। तो ये अपना है फ्रॉन्स का सिग्मा मॉडल, और बहुत ही मतलब लो के अंदर है ना, अच्छा काम हुआ। जैसे इन्होंने जो टच स्क्रीन ही लगाया है वो ब्लॉपंग का लॉडेडेल 900 लगाया है। स्पीकर्स इन्होंने JBL के लगाए हैं, सीट कवर हमने रॉयल टच लगाया है, उसके बाद ट्रे लगा दिया है, डोर वाइजर लगा दिया, और कैमरा भी बढ़िया। एक तरीके से बोल सकते हैं जो फ्रॉन्स वाले भाई बेसिक काम जो बेसिक, हाँ दिस इज द बेसिक, वो भी समझ लो कि 19-20 हज़ार रुपए का ओनली स्टीरियो है। अगर वो 6-7 हज़ार का लगाते तो फिर ये 20-25 हज़ार में निपट जाए गाड़ी। हाँ बात करते हैं भाई सबसे पहले फ्रंट में हमने कुछ किया इस गाड़ी में? नहीं, फ्रंट में कुछ नहीं है, ये डोर वाइजर लगाया है, क्योंकि LED आगे, DRL हो गया, टेल लाइट हो गया, आर्मरेस्ट हो गया, ये सब काम ये साइड मिरर ये नेक्स्ट टाइम आके करवाएंगे बोला इन्होंने। अगर आपको साइड मिरर चेकआउट करना है तो वो इस गाड़ी का कर सकते हो। दोनों सेम ही होते हैं मेरे ख्याल से? नहीं, अलग होते हैं। बलिनो और फ्रॉन्स के अंदर हाँ दिखने में सेम होता है, खाली साइड मिरर चेंज होगा, बाकी सब आर्मरेस्ट, स्टीयरिंग, ये सब चीज सेम होगी। बाकी बलिनो के अंदर भी डोर वाइजर इसमें भी इंस्टॉल कर दिए, इसमें भी हो गए। साइड मिरर इसका चेंज हुआ है, इसका नहीं हुआ, इसका नॉर्मल ही है। और उसके बाद इसका स्टीयरिंग हम जैसे इसमें भी हमने स्टीयरिंग चेंज किया है, जो डेल्टा वेरियंट उसमें भी हमने वो किया है। पहले जो आया था वो कुछ ऐसा स्टीयरिंग आया था, हाँ अभी हम चेंज करके फिर हमारा ऐसा स्टीयरिंग हो गया। हमने स्टीयरिंग रैप भी किया है, कम्प्लीट सीट कवर लगाया है इसके अंदर। कौन सा वाला भी है? ये डेल्टा वेरिएंट वाला जो हमने हाँ स्टीयरिंग रैप भी किया, स्टीयरिंग का कवर भी रैप कर दिया है इसका, बिल्कुल स्टिचिंग कर गया ना। हाँ बहुत बढ़िया। और अभी इनका जो गियर नॉब है ना खुल नहीं रहा था, तो सर को मैंने दे दिया, वो बाद में जाकर करवाएंगे। चलो वो गियर नॉब आपका यहाँ पे रखा हुआ भाई सेंटर में, ठीक है। तो ये भी हो गया। बाकी इसकी अगर बात करें सीट कवर की, ये रॉयल टच हो गया ना भैया। मान लो इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर सबसे ज्यादा जो आता है वो सीट कवर से ही आता है। बिल्कुल आता है, अगर सीट कवर जैसे इन्होंने कराया ना तो उससे ही मेन लुक चालू हुई है गाड़ी की। तो मतलब ये कम्फर्ट लेवल जो होता है गाड़ी का वो शुरू हो चुका है। तो बात करते हैं सीट कवर की, कौन से सीट कवर है? ये रॉयल टच के सीट कवर है, कंप्लीट वही रॉयल टच की हमने ब्लैक में जो मैरून धागा है उससे नाम के हमने स्टिचिंग किया, और स्टीयरिंग रैप भी जो हमने किया ब्लैक में मैरून धागा ही। अच्छा, और ये वेलकम लाइट हमने लगाई है फ्रॉन्स की वेलकम लाइट इंस्टॉल हो चुकी है इसके अंदर, बाकी आप सीट कवर की फिटिंग चेकआउट कर लो भाई। जो सीट कवर आगे पीछे भी हम जैसे कि हर बार जो कराते हैं ना, हाँ जी, जैसे आप ये देख सकते हैं ना, जैसे वेलकम लाइट यहाँ पर भी है आपके, उसके बाद इसका जैसे हम ओरिजिनल तरीके से करते हैं। अभी देखो लॉडरडेल्स का नाम क्या है, कंपोनेंट कोएक्सल, वो ब्लॉपंग का लॉडरडेल 900 स्टीरियो, और कंपोनेंट JBL कोएक्सल JBL, और ये ट्रे हमने लगा दिया। ट्रे भी इसके अंदर जेन्युइन लग चुकी है। हाँ जेन्युइन। हाँ सीट कवर की बात नहीं करी ना आपने, सीट कवर करके बात नहीं करी? नहीं सीट कवर, ये जैसे हम ओरिजिनल कारपेट हमेशा लगाते हैं ना, तो वो लगाया हमने, और स्पीकर हमने JBL के कंपोनेंट आगे, कोएक्सल आगे, और आगे ट्यूटर शैश भी लगा के दिया हमने, जो मारुति अल्फा के अंदर आता है। ठीक है, मतलब काफी हद तक चीजें बदलने की कोशिश की गई है इस गाड़ी की। जी बिल्कुल, हाँ बेसिक काम के अंदर भी सब कुछ किया जा रहा है, बहुत बढ़िया चीज है। बात करें सिस्टम की, एक बार चाबी लगा के ऑन करके दिखा दो कैसा ऑन होता है, कुछ गाना वगैरह प्ले कर दो एक आध। हाँ बिल्कुल, गाना प्ले सुन ले, इसकी आवाज कैसी आ रही है एक्चुअल में ना। हाँ वो आवाज की खासियत क्या है वैसे, बहुत चल रहा है एक्चुअली, जैसे कि 4 GB रैम हो गया और 32 GB इंटरनल, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस, ISO सर्टिफाइड, और इसके अंदर हम 360 भी लगा सकते हैं। अगर किसी कभी जैसे अंकल को पीछे का कैमरा निकलवा के 360 लगवाना है, अच्छा पीछे कैमरा भी लगाया है? हमने कैमरा लगाया वो भी ब्लॉपंग का, जो DS05 होता है ना, जो हम जो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं जब हम काटते हैं तो ऑटोमेटिक जो डाइवर्जन मूव करते हैं, डायनेमिक मूविंग होती है, वो भी है इसके अंदर। बाकी अगर इसमें फ्यूचर में भैया को चाहिए कैमरा 360 वाला भी लगा सकते हैं, अभी किट लगानी है, प्लेयर इनका ऑलरेडी 360। ये देखो हाँ वो आप दिखा सकते हो आराम से अंदर बैठ के। बाकी भाई ये वाला प्लेयर चेकआउट कर लो, कुछ ये प्लेयर आपको मिल जाता है। इसका इंटरफेस तो भाई बहुत लोगों को पता भी होगा कैसा इंटरफेस होता है, और ये आपका एप्पल कार प्ले भी शुरू हो गया इसके अंदर, गाने भी इसके अंदर ऑन टॉप प्ले हो जाएंगे। इसका एक्स्ट्रा सेट का एक्स्ट्रा माइक भी आता है, वो ऊपर आप दिखा सकते हो। अच्छा ये वाला माइक जो है साथ में,
ये सेट के साथ ही आता है। साउंड इसके अंदर भाई तुरंत ही प्ले हो चुकी है। एप्पल कार प्ले किसी का इसके अंदर कनेक्ट रह गया है भैया का? एप्पल कार प्ले कनेक्ट है क्या? हाँ शायद, हाँ सर का एप्पल कार प्ले इसके अंदर कनेक्ट है। बट इसका सबसे अच्छी खासियत बात यही है अदर एंड्रॉइड से ये थोड़ा सा हटके है। हटके भी है, एक तो आउटपुट भी इसका बहुत अच्छा है। उसके बाद 2 ईयर्स की इसकी वारंटी होती है, वो भी कंपनी से जाके आप ले सकते हो। एप्पल कार प्ले उसका वो 10 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक और ISO सर्टिफाइड है ना। वायरलेस दोनों चीज, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले वायरलेस ही होगा, क्योंकि बहुत सारी चाइनीज स्टीरियो जो अपनी कंपनियां आती है उसके अंदर जो एंड्रॉइड ऑटो होता है ना वो वायर से होता है। अच्छा, एप्पल कार प्ले वायरलेस होता है। और इसका जो एप्पल कार प्ले समझ लो एक तरीके से पायनियर में तुरंत कनेक्ट होता है। तुरंत कनेक्ट होगा, तुरंत होता है पायनियर में। तो फिर भी हमें केबल लगानी होती है ना, इसमें केबल की जरूरत ही नहीं है। और ये इतना फास्ट कनेक्ट होता है इसके अंदर। अभी मेरे भैया ने चाबी जैसी लगाई वो ऑटोमेटिक 10-20 सेकंड के, 10-15 सेकंड में कंप्लीट नाम के होगा, हो जाता है, बहुत तेज चालू होता है। साउंड की बात करें तो काफी अच्छी साउंड आती है भाई इसकी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं वो सारे। और ये भैया ने डोर वाइजर जो लगाया है वो नाम के भैया को उसका गैलियो का पसंद था, तो हमारे पास गैलियो भी है। अगर नेक्सा चाहिए नेक्सा भी है, और अदर कंपनी आती है वो भी है, प्रायर है, सीएल लिंक है। मतलब जो भी होगा ना तो सारा नाम के प्रॉपर तरीके से होगा, कि जो जैसे हाथ वाते रखने में टूट जाता है तो वो चीज नहीं होती है। इंजेक्शन मोल्ड है, गैलियो का ना। हाँ गैलियो का चीज भी बढ़िया ही होती है ऑब्वियसली। हाँ नॉर्मल से कॉस्टली होता है थोड़ा सा, 300-400 रुपए कॉस्टली है, लेकिन नाम का चीज जो है ना वो दी बेस्ट है। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं फिर से सीट कवर्स की, तो सीट कवर की क्वालिटी जो आपने बताई कौन सी वो A1 है नाम के, रॉयल टच। रॉयल टच बता इसके ऊपर भी अब जैसे कि वो नियोस ब्लैक रेड सीट कवर लग रहा है। हाँ। वो सोफा प्रीमियम में उन्होंने लगवाया है। अच्छा, तो हर एक ऊपर हो गया मतलब उसके पर रॉयल टच के ऊपर सोफा लेमिनेशन फिर सोफा प्रीमियम। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अप्रोक्स क्या पड़ जाता है? ये 8,500 रुपए का सीट कवर है, वो 13,000 रुपए का सीट कवर है। तो 3,000-3,000 में भी लगा देते हैं हम लोग। भैया लोग बड़े आदमी है यार, हम छोटे आदमी है। हमारा 5,000 रुपए से लेकर और 14,000 रुपए तक का कवर होता है। हर एक गाड़ी, किसी किसी गाड़ी का 16,000 का भी होता है, किसी का 22,000 का भी होता है। वो तो अलग अलग गाड़ी होती है, अलग अलग वेरियंट होता है। ठीक है भाई, इनकी क्वालिटी जो है ना सीट की वो काफी अच्छी होती है। और जो मिलता है ना, ये मैंने खुद आपको बलिनो के अंदर भी डाल के दिखा रखा है कि एक्चुअल में जो सीट कवर है वो सबसे हटके हैं। बिल्कुल भाई, देखिए सीट कवर ये ऐसी चीज है जब हम 5 घंटे बैठ के चले ना, ये लेदर राइट है, ये रेक्सिन नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पसीना जो आता है ना वो पसीना नहीं आ सकता कभी। ये हो गया आपकी गाड़ी रेडी। अब बात कर लेते हैं एक बार इस वाली गाड़ी के अंदर हम क्या कर रहे हैं। इसके अंदर हम तो बीच के अंदर आर्मरेस्ट लगा रहे हैं, और उसके बाद इसके अंदर स्टेयरिंग हम कर रहे हैं, इसके साइड मिरर्स कर रहे हैं, और फॉग लाइट के अंदर IPS का प्रोजेक्टर और 120 वॉट्स की LED वो भी फिटिंग कर रहे हैं। और जो ये हम करते हैं इसके साथ, हम वायरिंग किट के साथ करते हैं। ये अपना स्टेयरिंग आ गया। हाँ जी भाई, ये मारुति जेन्युइन आप देख सकते हो, और ये जो इसका हब भी होगा ये भी मारुति जेन्युइन होगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू लगा रहे हैं ना। ये देखो ना भैया आप, जैसे कि अब मैं आपका चेक करा देता हूँ, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे ये देखिए, अब ये नंबर देखना आप, ये 66T1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लिया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 66T1। तो प्रॉपर ये OEM है, तो OEM ही रहेगा। ठीक है, तो भाई ये वाला आपका डेल्टा वेरिएंट वाला है। हाँ, इसमें डेल्टा लगवा लो चाहे जीटा लगवा लो, चाहे अल्फा जीटा नहीं, इसके बाद अल्फा ही आएगा। जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वो ब्लैक में भी मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाता है जो अल्फा में आता है, और स्टेयरिंग रैप्ड होता है, और ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है आपको। तो मेरा कहना ये लगाओ और अपने हिसाब से कोई भी कवर। देखो अब हमने इसके अंदर सीट कवर ये लगाते हैं ब्लैक में, ब्लू या ब्लैक में एनीथिंग एल्स, तो स्टेयरिंग रैप भी हम अपने स्टाइल से करा सकते हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी अभी रेडी हो रही है। बात करते हैं वापस फ्रॉन्स की, तो फ्रॉन्स अपनी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है रेडी। कस्टमर भी ले ले। हाँ कस्टमर तो पूछ ले एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, करते हैं एक बार फ्रॉन्स के ओनर से। कैसे हो सर? बहुत ठीक है। एक बार सर अपना नाम शेयर कर दीजिए, कहाँ से? हम राव अब्दुल मुनाफ है। कहाँ से आए थे सर? मैं रुड़की से आया हूँ। रुड़की से? हरिद्वार। आज रात को ही जा रहा हूँ उत्तराखंड जाऊंगा, उधर से ही हरिद्वार। हाँ नहीं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा ना, चार दोस्त भी थे, वेट करना पड़ेगा मेरे को, काम भी है थोड़ा सा। अब बात करते हैं सर, कोई नहीं, उत्तराखंड की गाड़ी है ना आपकी? उत्तराखंड, कोई दिक्कत नहीं सर। कैसे आना हुआ यहाँ पे इतनी दूर, आप रुड़की से आ रहे हो? हम आए तो वीडियो देख के आए। अच्छा, तो अब जो काम आपने करवाया है वो कितने का हुआ, कैसा था, क्वालिटी कैसी थी? बहुत अच्छी क्वालिटी है, बढ़िया लगी। हाँ, जैसा देखा था सेम वैसा ही? वैसा ही है। तो कुछ और वीडियोस वगैरह भी देखी थी आपने जहाँ पे? नहीं, और भी देखी थी, लेकिन कृष्णा से अच्छी नहीं मिला। नहीं मिला? ठीक है, तो अभी तक जितना भी काम करा है वो सब कुछ बढ़िया है, पेमेंट चलने वाला है। सर ने वो पेमेंट सर अप्रोक्स कितनी? 40,700 रुपये दिए। 40,700
तो मतलब ये बेसिक काम ब्लॉपंक का लॉटेड इनलाइन 100 और DS05 कैमरा और JBL का कंपोनेंट को एक्सेल कंप्लीट सीट कवर पीछे ट्रे और डोर वाइजर कंप्लीट ये सारी चीजें और वेलकम लाइट और अगर कोई छोटी मोटी चीज भूल रहे हो तो कह नहीं सकते गियर नॉब मैंने दिया है सर के पास ही है गियर नॉब वहाँ जाके लगवाएंगे सर चलो बहुत बढ़िया किसी किसी गाड़ी खुलती नहीं है वो ना हाँ अभी इसकी खुली नहीं तो बहुत गाड़ी की आराम से खुल जाती है ये भी जैसे कि थोड़ा हीट लगेगा ना तो ये भी ऑटोमेटिक खुल जाएगी सर एक चीज पूछना चाहूंगा अगर कोई भाई फ्रोंस खरीद रहा है तो वो भाई के पास विजिट कर सकता है नहीं कर सकता यस पक्की बात है हाँ यस चलो भाई तो इसी तरीके से भाई काम करते रहो है ना इसी तरीके से फ्रोंस में एकदम बढ़िया काम करना है छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबा पे डार दू उनके ताड़ा हाथ पे टैटू है गाड़ा नाम का तेरे जप तपहाड़ा फिकर का जिक्र न करियो लाडो साथ में अपने डमरू फाड़ा